आप देख सकते हैं कि नीचे हर जगह से हमने जो अपनी जालियां सेट की हैं वो प्रॉपर दिख रही हैं, इसीलिए इसका नाम है क्रिस्टल जेली डेजर्ट और क्रिस्टल जेली केक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका भाई अपना मेज़बान जफर अहमद ख़ान एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर है। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्टल जेली केक। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है और इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद आएगी। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने 6 फ्लेवर्स की जेलियाँ बना के रख ली हैं। वीडियो मेरे से मिस हो गई है तो उसके लिए माजरत। ये हमारे पास बनाना फ्लेवर है, ये ब्लूबेरी है, ये ब्लैकबेरी है, ये पाइनएप्पल है और ये मैंगो है, और इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी है। और ये इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, इसको रेस्ट देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। क्योंकि क्रिस्टल जेली केक है तो सारा प्रोसेस जो है हमारा जेली के साथ ही होगा। सो गाइस माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी जेलियाँ सेट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। सो अब इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आधा लीटर पानी ले लिया है, इसके अंदर हम लोग हरी इलायची 4 से 5 तोड़ के डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इस पानी के साथ पकाएंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 6 बड़े खाने के चम्मच हम लोगों ने चीनी शामिल की है। हम लोग इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसकी जो चीनी हमने इसके अंदर डाली है वो डिसॉल्व नहीं हो जाती। इसको हिलाते भी रहेंगे हल्का हल्का ताकि ये जो हमारी चीनी है जल्दी हल हो जाए इसमें, तो फिर इसके बाद का प्रोसीजर शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारी चीनी इसके अंदर डिसॉल्व हो गई है तो अब हम इसको 4 मिनट देंगे ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। तब तक हम लोग अपने इसका आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे जेली को काटेंगे और काट के इस ट्रे में सेट करेंगे। इसको हमने 4-4 पीस में हम लोगों ने काट लिया। तो गाइस अब हम लोग अपनी जेलियों को इस ट्रे में सेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ये पास्ता ट्रे कहलाती है और इसके अंदर हम लोग अपना डेजर्ट भी सर्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर जो हमने जेलियाँ बनाई हुई हैं इसको हम लोग सेट करेंगे एक एक करके। गाइस यहाँ पे हमारी ये जेलियाँ जो हैं वो पास्ता ट्रे में सेट हो चुकी हैं। तो अब हम ये हमारा जो यहाँ पे पानी था चीनी वाला ये भी इसमें भी बॉयल आ चुका है। तो अब हम लोग इसके अंदर रोज़मर का जेलेटिन शामिल करेंगे जिसे उर्दू में अगर अगर भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग ये जेलेटिन के 3 खाने वाले चम्मच शामिल करेंगे अपने इस पानी में। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पानी के साथ डिसॉल्व होने देंगे। तो अब हम लोग इसको हैंड बीटर की मदद से हम लोग इसको बीट करेंगे ताकि जो इसमें जो लम्स बने हैं जेलेटिन के वो ख़त्म हो जाएं। तो लोग देख सकते हैं हमारा जो इसमें हम लोगों ने जेलेटिन डाला था उसके जो लम्स बने थे इसके अंदर वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम लोग इसको रोक देंगे और इसके बाद जो हमने इसके अंदर इलायची डाली है उसको हम लोग जब अपनी ये जेली वाली ट्रे में हम लोग शामिल करेंगे तो उसको छान लेंगे। गाइस ये हम लोग इसको जेलेटिन को इसमें छानते हुए डाल रहे हैं ताकि ये जो इलायची है ये इसमें ना जाए। यहाँ पे हमारा जेलेटिन पूरा डल चुका है तो अब हम लोग इसको किसी भी पंखे वाली जगह पे रख के इसको मतलब ठंडा करेंगे। और एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में मत डालिएगा वरना आपका डेजर्ट और केक जो है ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा।
अब इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से हमारा डेजर्ट बहुत अच्छा ठंडा हो गया है और बहुत अच्छा जम गया है। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई ज़फ़र अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।